आज का जो टॉपिक है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का एक नौकरी साइड है, जॉब साइड है, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी के अंदर आता है। ऐसा टोटल इंडिया में 64 गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनी होता है। उसमें से एक कंपनी है जो मुंबई और उड़ीसा भुवनेश्वर में इसका ऑफिस है और अलग अलग छोटा छोटा इसका ब्रांच ऑफिस है। उस जो दोनों जो है IREL इंडियन रेरा अर्थ इंडिया लिमिटेड, ये जो पब्लिक सेक्टर का कंपनी है, ये एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम करता है। एटॉमिक एनर्जी सभी को पता है, एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम करता है, उसी अंडर में आता है। इसका नाम है IREL इंडियन एरा अर्थ इंडिया लिमिटेड, जो पब्लिक सेक्टर का नाम है। उसमें काफी सारा वैकेंसी है, काफी साल बाद ये वैकेंसी निकला है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 92 वैकेंसी है। अलग अलग क्वालिफिकेशन बहुत मिनिमम है, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री, ये अलग अलग कैटेगरी, जो कैटेगरी आपके पास है आप उसको देख लीजिए और कर लीजिए। सभी कैटेगरी को मांगा गया है, काफी सैलरी भी बहुत अच्छा पैकेज में है। ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट मेल फीमेल एलिजिबल है, आदर्श कोई क्राइटेरिया नहीं है। और जो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कॉमन सिलेक्शन प्रोसेस, एक रिटन टेस्ट होना है, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट देना है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो डिटेल्स बात करता हूँ। बात करने पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जानकारी अच्छा लगे दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें तो मेरे को अच्छा लगेगा। ऐसा ही मैं डेली कोशिश करता हूँ एक लेटेस्ट जॉब के बारे में जानकारी देने के लिए। IREL जिसका वेबसाइट है IREL.co.in, इसमें सबसे पहले जाना है। जाते बराबर आपका ऑनलाइन भर्ती 2002 का एक लिंक आपको सामने मिल जाएगा। उस लिंक को क्लिक करते बराबर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो 10 पेज का नोटिफिकेशन है। उस 10 पेज का नोटिफिकेशन को आपको केयरफुली स्टडी करना है डिटेल्स में। मैं वो 10 पेज को 10 मिनट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जरूर उसको फॉलो करिए। नोटिफिकेशन जरूरत पड़े मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। सबसे पहले विजिट करना है www.irel.co.in, वहां जाके आपको 2000 अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। नंबर ऑफ पोस्ट टेक्निकल जो है वो आपको मिलेगा 87 है टेक्निकल, 87 टेक्निकल है, और नॉन टेक्निकल टोटल है 12-13 नॉन टेक्निकल, टोटल 92 पोस्ट है। ठीक है, इसका पे स्केल का जो है आपका जो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड है, उस समय एक आपको फिक्स कंसोलिडेटेड सैलरी दिया जाएगा ग्रेड के हिसाब से। आपका क्वालिफिकेशन कैसा है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको एक फिक्स सैलरी दिया जाएगा। जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ग्रेड सिस्टम S1 S2 जो गवर्नमेंट ग्रेडिंग सिस्टम है, अप्रोक्स 25,000 प्लस जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अलाउंसेस लगता है, पब्लिक सेक्टर का जो भी अलाउंसेस है वो सब लागू हो जाएगा। कुछ पोस्ट आपका S1 है 25,000 प्लस है, कुछ पोस्ट आपका ITI लेवल पे है जो 22,000 समथिंग। ये कब होगा लागू, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा, आप पे स्केल में आ जाने के बाद, उस समय आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो अलग अलग है, वो डिटेल सबको मिल जाएगा। ठीक है, तो पोस्ट क्या है, सुपरविजन का पोस्ट है। ये 1, 2, 3, 4, 5 ये जो 5 पोस्ट है, PC1, PC2, PC3, PC4, PC5, ये सुपरविजन का पोस्ट है अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए। और दूसरा नंबर जो ITI है 6, 7, 8, ये ITI ट्रेड के लिए है, वर्कमैन बट ट्रेड्समैन ट्रेनिंग पोस्ट है। ये दो पोस्ट है एक्चुअल, एक सुपरवाइजर एक वर्कमैन। इसका लास्ट डेट है 17/6 मतलब जून महीने 17 से इसका प्रोसेस शुरू हो गया ऑनलाइन अप्लाई करने का, और जुलाई 7 तक ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। 7 जुलाई तक आपको कैसे भी करके फॉर्म सबमिट करना है, उसके पहले रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद अप्लाई करके आपको सबमिट करना है। 17 जून से शुरू हो गया, 7 जुलाई तक प्रोसेस चलेगा। दोस्तों ध्यान पे रखना है, टाइम ज्यादा नहीं है। एग्जाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में इसका एग्जाम सेंटर नहीं है, कुछ गिने चुने जहां जहां इसका ऑफिस है
जिस स्टेट में इसका ऑफिस है वहीं वहीं इसका एग्जाम सेंटर रखा गया है। मुंबई हेड ऑफिस है, पुणे उसका ब्रांच ऑफिस है, त्रिवेंद्रम, कोची, ये सब केरल का ही है। उड़ीसा का दो जगह है, भुवनेश्वर और कटक। कारण इसका जो ऑफिस है मेन, इंडियन रेरा अर्थ लिमिटेड, भुवनेश्वर और महाराष्ट्र, ये दोनों मेन जोन है, उसके बाद सब जोन कुछ बना हुआ है। तो एग्जाम सेंटर जो है मुंबई, पुणे, त्रिवेंद्रम, कोची, भुवनेश्वर, कटक रखा गया है। एवं आपका नजदीक जहां होगा, आपको जहां पसंद है, मुंबई जाना, पुणे जाना, त्रिवेंद्रम, तो आप वहां चॉइस कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन बात करें, कुछ पोस्ट आपको मास्टर डिग्री के लिए मिलेगा, कुछ पोस्ट आपको ग्रेजुएशन के लिए मिलेगा, कुछ पोस्ट आपको डिप्लोमा, कुछ पोस्ट आईटीआई के लिए मिलेगा। सभी कैटेगरी का क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। आप आईटीआई हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर, ग्रेजुएशन है तो भी, मास्टर डिग्री है तो भी। मतलब बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, ट्राई जरूर करना है। जो भी प्रोसेस होगा ऑनलाइन बेस है, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ऑनलाइन बेस में ही इसको अप्लाई करना है। जो भी डॉक्यूमेंट लगता है सभी को पता है, जो स्टडी कर रहा है, तैयारी कर रहा है, आधार कार्ड, फोटो, सर्टिफिकेट, मार्कशीट का कॉपी, ये कॉमन चीज है, ये कॉमन चीज आपके पास रखना है। एज लिमिट का बात करें, पोस्ट के हिसाब से एज लिमिट है, जो 1, 2, 3 इसका जो एज लिमिट बताया गया है वो 26 ईयर्स है, ये जनरल के लिए है। रिजर्व कैटेगरी जो भी होता है उसके 3, 5, 10 ये रिलैक्सेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जो भी कुछ मैं बता रहा हूं अभी जनरल है, 1, 2, 3 के लिए 26 ईयर्स, 4, 5 के लिए 30 ईयर्स, 6, 7, 8 के लिए, आईटीआई के लिए 35 ईयर्स तक आप एलिजिबल हैं और अनरिजर्व कैंडिडेट। एग्जाम फीस का बात करें, एग्जाम फीस है 472 प्लस जीएसटी, 472 और नॉन रिफंडेबल। ये जो एग्जाम फीस है नॉन रिफंडेबल, एग्जाम फीस है 472 नॉन रिफंडेबल, इसमें अलग से आपको को पे करना है। जनरल कैंडिडेट इसको पे करेगा प्लस जीएसटी, इसके साथ इंक्लूडिंग होगा आपका जीएसटी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई फिजिकली टेस्ट नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो भी प्रोसेस होता है उसको आपको लागू करना है। एक बार बात करूं, पहले पोस्ट का बात करता हूं फिर सिलेक्शन प्रोसेस का बात करूं। पोस्ट है CPC1, नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। इसमें ग्रेजुएशन ट्रेनिंग फाइनेंस अकाउंट से आपको CA वे ICWA कंप्लीट होना चाहिए। कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए है ये, कॉमर्स में ग्रेजुएशन होना चाहिए बा CA चार्टर अकाउंटेंट बा ICW में आपको कंप्लीट होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 7। PC2 नंबर ऑफ पोस्ट 5, इसमें ग्रेजुएशन ट्रेनिंग HR ह्यूमन रिसर्च, HR सबको बताएं ह्यूमन रिसर्च, इसमें आपका ग्रेजुएशन चाहिए साथ साथ आपका MBA है HR के ऊपर तो आप एलिजिबल है। टेक्निकल जो है ग्रेजुएशन ट्रेनिंग टेक्निकल वो है नंबर ऑफ पोस्ट 19, इसमें आपको डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन अलग अलग जो कोर्स होता है डिप्लोमा में उसमें से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 19 है। ये तीनों जो पोस्ट है ये सुपरवाइजर का पोस्ट है, दो ये दो पोस्ट जो आपके सामने देख रहा फाइनेंशियल और HR ये नॉन टेक्निकल है, और टेक्निकल जो है 19 है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 31, एज लिमिट 26। PC4 में जाए नंबर ऑफ पोस्ट 3, जूनियर सुपरवाइजर, ठीक है जूनियर सुपरवाइजर, इसमें जो जूनियर सुपरवाइजर वाला है ये है राज्यसभा के लिए है। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है मास्टर डिग्री, किसी भी स्ट्रीम में आपके मास्टर डिग्री है, जूनियर सुपरवाइजर राज्यसभा में आप एलिजिबल है। एज लिमिट 30। नंबर ऑफ पोस्ट 3। PC5 नंबर ऑफ पोस्ट 2, पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, पर्सनल सेक्रेटरी का जो एक कोर्स होता है कॉमर्स के बाद एक कोर्स होता है पर्सनल सेक्रेटरी का कोर्स, उस कोर्स में आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ग्रेजुएशन प्लस पर्सनल सेक्रेटरी करके एक कोर्स होता है ICWCA जैसा, जो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है, उसमें आप एलिजिबल है, कोर्स कंप्लीट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। PC5 नंबर पोस्ट 2, एज लिमिट 30। नेक्स्ट जो है इसके नीचे जितना भी आपके सामने वो ITI स्टूडेंट के लिए है। PC6 नंबर पोस्ट 28, ट्रेडमैन ट्रेनिंग, पोस्ट का नाम है ट्रेडमैन ट्रेनिंग, इसमें कोई फिक्स नहीं है, किसी में आप
बिल्डर, फाउंडर, कारपेंटरी, जो भी आपका ट्रेड है उसमें से कोई ऐसा स्पेसिफिकेशन नहीं करके रखा है जो A28 पोस्ट इसके लिए है, ठीक है। तो इसका एज लिमिट 35 है, लेकिन स्टूडेंट ITI NCVT होना चाहिए, NCVT कोर्स है, अप्रेंटिसशिप आपका कंप्लीट है तो आप एलिजिबल है। PC7 नंबर ऑफ पोस्ट 14 है, फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए है, फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए। इसमें भी फिटर हो सकता है, लेकिन उन्हें स्पेसिफाई कर दिया गया है PC7 को, नंबर ऑफ पोस्ट 24 है, जिसमें फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए जरूरत है। नेक्स्ट अलग अलग रिजर्व है, 8 भी है 14, उसमें फिटर और इलेक्ट्रिकल है, फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिटर इलेक्ट्रिकल, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 28, 56, 28, 14, 14, टोटल 56, एज लिमिट 35। बहुत ही सिंपल क्वालिफिकेशन है, सिंपल ये नहीं है, बहुत ही अच्छा है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी का भी कोई भी क्वालिफिकेशन है, ITI और डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, मास्टर डिग्री एलिजिबल है, तो बहुत अपॉर्चुनिटी, अच्छा अपॉर्चुनिटी। सिलेक्शन प्रोसेस टू स्टेज में इसका प्रोसेस होना है, पहला प्रोसेस रिटन टेस्ट होना है, सेकेंड प्रोसेस ट्रेड टेस्ट बा स्किल टेस्ट होना है। जो पहला प्रोसेस है उसमें दो पेपर होगा, पेपर वन पेपर टू, टोटल टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा 120 मिनट। पेपर वन में टोटल आपका जो रहेगा वो मल्टीपल चॉइस रहेगा, MCQ रहेगा, MCQ में नॉलेज जिस बेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस बेस का सब्जेक्ट नॉलेज का 50 मार्क्स, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3 और 5, ये जो तीन चीज है इस पोस्ट के लिए, टोटल सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन 50 रहेगा और 50 नंबर्स रहेगा जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल, रीजनिंग्स, जनरल नॉलेज, इसके ऊपर टोटल आपका 50 मार्क्स है, 50 50, 100 मार्क्स का पेपर होगा। किसके लिए? 1, 2, 4, 5, 1, 2, 4, 5। नेक्स्ट हमारा 3 में हमारा क्या है, 3 में है डिप्लोमा होल्डर, 19 पोस्ट है, उसके लिए है 100 मार्क्स का सब्जेक्ट नॉलेज का, जो सब्जेक्ट में जैसे मैकेनिकल में कोई डिप्लोमा किया, कोई सिविल से किया, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन, कोई कंप्यूटर साइंस, जिसमें भी उन्होंने डिप्लोमा किया उसमें बेसिक आपका नॉलेज का एग्जाम होगा 100 मार्क्स का, और उसके साथ ये 50 मार्क एक कॉमन है, टोटल मिला के 150 मार्क्स का पेपर होगा और आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा। 6, 7, 8 ITI के लिए, 6, 7, 8 ITI स्टूडेंट के लिए टोटल पोस्ट है 56, उसमें से 50 मार्क्स आपका सब्जेक्ट नॉलेज का पेपर होगा 50 मार्क्स, और 50 मार्क्स होगा आपका कॉमन जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल, रिजोनेंस और जनरल नॉलेज, ये टोटल 100 मार्क, टाइम मिलेगा आपको 2 घंटा। ये है प्रोसेस का पूरा, मैं आपको बताने कोशिश किया दोस्तों। अरे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप जरूर विजिट करें, अप्लाई करने के पहले साइट में विजिट करें, नोटिफिकेशन को अच्छा से स्टडी करें, उसके बाद आप अप्लाई करें, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, किसी भी क्वालिफिकेशन आपके पास है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल हर स्टूडेंट एलिजिबल है, मेल फीमेल का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई स्टेट वाइज का क्राइटेरिया नहीं है, आप कोई भी ऑल इंडिया का कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल हो सकता है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जरूर ट्राई करें, जानकारी अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, कमेंट आएगा, धन्यवाद।